केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों के लिए काल बना मौसम, क्रैश होते ही धुएं के गुबार में बदला चौपर। उत्तराखंड की वादियां जितनी खूबसूरत है उतना ही खतरनाक यहां का मौसम है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में 7 लोगों के लिए मौसम काल बन गया। दरअसल हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी से उड़ान भरी और केदार घाटी की तरफ आगे बढ़ा, तभी अचानक गरुड़ चट्टी में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राहत बचाव के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब लोग केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी तेज धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई। रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस जगह हादसा हुआ वहां घना कोहरा और हल्की बर्फबारी हो रही थी। हादसे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने दुख जताया है, साथ ही पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना पर दुख जताया। सीएम ने हादसे के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 2019 में भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। केदारनाथ से यात्रियों को लेकर फाटा के लिए उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी और इस दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इससे पहले 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान भी रेस्क्यू करते हुए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर समेत 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इस दुर्घटनाओं में 23 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।